Dear students, welcome on Vigyanash. You are here with Hardeep Singh. Today's topic is regarding the class 10th science, and we will concentrate on the numericals regarding to the images formed by the lenses. So, lenses में जो चाहे वो convex है चाहे वो concave है, जब वहाँ image formed हुई है तो refraction of light साथ में हुआ, तो उससे related हम जितने भी numericals हैं जो हमारे pending हैं आज हम उसको कवर करने जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप. तो लेट्स स्टार्ट विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड अ बिग स्माइल ऑन योर फेस टू लर्न समथिंग. तो आज हम एक सीखने की इच्छा के साथ को शुरू करते हैं. तो चलिए देखते हैं आपकी बुक में पहले तो ये तीन क्वेश्चंस होंगे. डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस. आपको देखिए पावर ऑफ लेंस को डिफाइन करना, अगर क्वेश्चनों में डिफरेंस होता, अगर तो आता व्हाट इज डिफाइन पावर ऑफ लेंस, अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो ये लिखना आपने. द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल इट्स फोकल एंड राइट इट इज रिप्रेजेंट बाय पी. याद रहेगा अगर ऐसा यूनिट ऑफ पावर आता है तो आंसर क्या रहेगा, इट इज डायोप्टर. हाँ लेकिन हमारे पास अभी क्वेश्चन क्या है, डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस. अगर यहां से आएगा तो इधर लिखेंगे आप, कहां से, यहां से इसको टिक करेंगे. वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर. 1D इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स. तो यहां आपका आंसर खत्म हो जाता है. इसके लिए डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस. और अगर कोई आपसे पूछे कि किस लेंस की पावर पॉजिटिव है, तो कन्वेक्स लेंस है पॉजिटिव व्हाइल कॉनकेव इज नेगेटिव. कई बार एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द विच सिंबल, तो आंसर आएगा नेगेटिव. ध्यान रखिएगा. तो इस तरह से ये है. सेकंड वर्टिकल के ऊपर चलते हैं. सेकंड में लिख रहा है ए कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट. एक कन्वेक्स लेंस है जो 50 सेंटीमीटर पर एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है किसी ऑब्जेक्ट की. 50 सेंटीमीटर पर इमेज बन रही है, इट मीन्स इट इज वी. ध्यान रखिए ये क्या होगी, वी है. रियल होगी तो कहां होगी, नेचुरली लेंस में रियल इमेज कहां बनती है, अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो इसलिए हमारा वी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया हुआ. व्हाट इज द वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस इफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. यहां पूछ रहा है कि हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखना है कि जो इमेज का साइज है वो किसके बराबर हो जाए, ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाए. इट मींस एच आई इज इक्वल टू एच ओ, ये हमें पता लग गया, एच आई इज इक्वल टू एच ओ. और दूसरी बात ध्यान रखिए कन्वेक्स लेंस है इसलिए क्या आ जाएगा, हमारे पास रियल है, नेचुरली इमेज जो दूसरी तरफ चली गई है तो इन्वर्टेड है तो उल्टी होगी, उल्टी होगी तो साथ में उसका क्या लग गया, माइनस. उसके साइज में क्या लग जाएगा, माइनस हो जाएगा. अब हम निकालनी है फाइंड द पावर ऑफ लेंस. लेंस की पावर कैसे निकालेंगे उस पर काम करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 लग गए हम सॉल्व करने. हमें पता लग गया डायग्राम क्या है हमारे पास, लेंस है, ऑब्जेक्ट नहीं हमें पता कहां, लेकिन हमें इमेज पता है कि इमेज क्या है, रियल है और इन्वर्टेड है. और फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर यहां तक का डिस्टेंस क्या होता है, यहां से इस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के, ये क्या है हमारे पास, दिस इज इमेज राइट. इमेज के डिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं, वी. तो वी हमने पढ़ा, वी कितना है हमारे पास, इट इज पॉजिटिव 50 सेंटीमीटर राइट. अब देखिए इमेज इन्वर्टेड है तो इमेज को क्या लिखते हैं हम, एच आई, दिस इज हाइट ऑफ इमेज राइट. तो हमें क्या दिया गया है, जो जो दिया गया वो गिवन चलते हैं. तो हमें गिवन क्या क्या है, वी इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर और एच आई का दिया गया है कि जो इमेज है डेट इज इक्वल टू एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है, लेकिन ये इन्वर्टेड है, दैट्स वाई हम इसके सामने क्या लगाएंगे, अगर एक्स मान लेते हैं तो एच ओ तो एक्स ही रहेगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो एस ही रहेगी, लेकिन हाइट ऑफ इमेज क्या बन जाएगी, नेगेटिव एस. क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे इन्वर्टेड राइट. अब हमारे पास अगर हम चाहें, हमारे पास क्या है, वी पता है राइट. हमारे पास दो फार्मूला पे हम काम कर सकते हैं, या तो हम लेंस फार्मूला की बात करें तो लेंस फार्मूला हमें पता है, 1/f = 1/v - 1/u. लेकिन डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सिर्फ वी है, ना यू है ना एफ है, इसलिए इस फार्मूला को अभी हम यूज नहीं कर सकते. लेकिन हमें एच है वी है तो हम किसको यूज करेंगे, यहाँ हम यूज करेंगे मैग्नीफिकेशन फार्मूला को. तो मैग्नीफिकेशन फार्मूला क्या लिखता है, इट इज एम इज इक्वल टू एच इमेज अपॉन एच ऑब्जेक्ट
दैट इज इक्वल टू वी अपॉन यू, ये हमें पता है। अब एच इमेज हमारे पास अभी हमने पढ़ी क्या है, माइनस एक्स, तो एच इमेज हमारे पास क्या माइनस एक्स, तो हम यहाँ माइनस का एक्स, और एच ऑब्जेक्ट क्या है एक्स, तो हम इसको भर देते हैं। वी वी हमारे पास कितना है प्लस के 50 है, हम इसको भर लेते हैं। यू हमें अभी निकालना है राइट, तो यू को ऐसे रहने देते हैं, बाकी सब उधर चल जाएगा, या यू इधर ले आते हैं एक ही बात है। तो हमारे पास क्या हुआ, देखिए ये और ये आपस में कट गए, वैल्यू क्या आ गई माइनस वन इज इक्वल टू अपॉन यू राइट, तो यू किसके बराबर, यू इज इक्वल टू माइनस 50 सेंटीमीटर। तो हमारे पास यू किसके बराबर आ गया, जाके उससे मल्टीप्लाई कर गया एंड इट इज इक्वल टू माइनस 50 सेंटीमीटर। तो हमें पता लग गया कि जो इमेज है वो भी उतनी दूरी पे है जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है, दोनों 50-50 सेंटीमीटर के ऊपर है। तो अगर ये इधर है तो हमारा जो इमेज आएगी वो भी हमारी कहीं इधर होगी, और इधर को है अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, तो ये हमारा क्या बन गया, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया है। तो ऑब्जेक्ट कितना आ गया, यू हमारा कितना हो गया सॉरी, तो इट इज 50 सेंटीमीटर, क्लियर। लेकिन हम जानते हैं जिधर से लाइट आती है उधर की वैल्यू क्या रहती है, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार नेगेटिव रहती हैं, इसलिए यहाँ साइन क्या आ गया नेगेटिव। ये तो क्लियर हो गया अब आपके पास। अब हमें ये वी मिल गया, अब हमें क्या निकालना है एफ, तो एफ निकालने के लिए आपको पता है फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। अब एफ हमें नहीं पता है, हम ऐसे रहने देते हैं, वी तो हमें पता था कितना था प्लस के 50, और यू हमें पता कितना है माइनस 50। अब फिर जब इन दोनों वैल्यूज को आप ऑब्जेक्ट खोलोगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा अगले स्टेप पे जाते हुए, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/50 प्लस 1/50, ये दोनों 50 प्लस में हो गए। अगले स्टेप में अगर आप चलते हैं तो 1/f इज इक्वल टू 50-50 का एलसीएम 50 रहेगा, तो 1+1 राइट। अगले स्टेप पे चलते हैं तो 1/f इज इक्वल टू 2/50 राइट। अब काट के आप जानते हैं कितना बन गया ये 25, क्लियर। तो 1/f इज इक्वल टू 1/25, अब दोनों को ही हमें क्या करना है रेसिप्रोकल करना है, तो f हमें मिल गया f इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ हमें क्या मिल गई पॉजिटिव 25 सेंटीमीटर राइट। तो यहाँ से हम इसको फोकल लेंथ हमें मिल गई, जब फोकल लेंथ हमें निकल गई तो हम यहाँ भर सकते हैं फोकल लेंथ की वैल्यूज, ठीक है। तो हमें इतना कुछ प्राप्त हो गया, हमें f मिल गया, f कितना है 25 सेंटीमीटर। अब एक चीज और पूछनी, पावर ऑफ लेंस निकालने की बात कर रहे हैं, पावर ऑफ लेंस ध्यान रखिए बेटे सेंटीमीटर में नहीं होता, किस में निकालना मीटर में। तो एफ इजिकल टू 25 अपॉन 100 करेंगे तो 0.25 मीटर बन जाएगा राइट। अब हम पावर की बात करते हैं, पावर 1/f है, या इसको ऐसे रहने तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 1/f का मतलब 1/0.5 ये भरेंगे हम, फिर क्या बना 100/25, फिर वही कट के 4, तो पावर कितनी आई है 4 डायोप्टर। बट अब वही बात है, लेंस कौन सा हमारे पास, दिस इज कन्वेक्स, तो हम जानते हैं कि हमारे कन्वेक्स लेंस की जो पावर रहती है वो पॉजिटिव में आती है, तो आंसर हमारा पॉजिटिव में आया, तो ये हमारे दो आंसर हो गए। तो लेंस हमारा पॉजिटिव में आ रहा है तो दैट्स वाई पावर निकल गई, ठीक है जी, फोकल लेंथ निकल गई और हमने इमेज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी निकाल दिया, यू भी निकाल दिया, तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया। इसी तरह नेक्स्ट पे चलते हैं, उसके बाद एक और क्वेश्चन है, फाइंड द पावर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। देखिए कनकेव लेंस है राइट, इफ इट्स फोकल लेंथ इज 2 मीटर, बहुत आसान है, क्या दिया हुआ आपको क्वेश्चन नंबर 3 में, एफ दिया हुआ है 2 मीटर और लेंस कौन सा है ये ध्यान रखिए, दिस इज कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस का फैक्टर हमने अभी पढ़ा है कि कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होता है ना, पढ़ा ना हमने, ये दिमाग में नहीं, ये नहीं छोड़नी चीज है कभी भी, कन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव है और कॉनकेव है तो क्या है नेगेटिव है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/f, तो पी इज इक्वल टू 1/2, तो P इज इक्वल टू 1/2 का क्या आता है 0.5 डायोप्टर, लेकिन ध्यान रखिए इट इज ए कॉनकेव लेंस, तो P इज इक्वल टू -0.5 डायोप्टर, दिस इज योर आंसर। तो ये 3 क्वेश्चन हुए स्पेस के, तो प्लीज इसको सॉल्व कीजिए खुद देखिए करके एक बार, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे जाएंगे। थैंक यू।